बरेली में सिबीगंज थाना क्षेत्र की एक महिला को दूसरे समुदाय के युवक ने खुद को हिंदू बताकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद उसे भगा ले गया। आरोप है महिला के पति को फोन पर धमकी भी दी। वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर पत्नी को वापस दिलाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सिबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने गुरुवार शाम को करणी सेना के साथ इज्जत नगर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि दूसरे समुदाय के एक युवक ने स्वयं को हिंदू बताकर उसकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पीड़ित ने बताया कि वह एक महीने पहले अपनी पत्नी के साथ इज्जत नगर थाना क्षेत्र में आया था। इस दौरान वह पत्नी को सड़क किनारे खड़ा कर अपना काम निपटाने चला गया। वहीं इस बीच आरोपी उसकी पत्नी को बहला फुसला कर भगा ले गया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी युवक ने फोन पर धमकी दी है कि हिंदू लड़कियों और महिलाओं को ऐसे ही फंसाने के बाद धर्मांतरण कराता है, वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिलहाल पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। जी सर, एक ताहिर नाम का मेरी मैडम को बहला फुसला के ले गया थे और उनको मतलब अपने उसमें जात विराज में जोड़ना चाह रहे, तो मैंने बोला कि घर पे चलो, तो जैसे वो धमकी वगैरह दे रहे। अब मैं ये चाह रहा हूँ, मैं इज्जत नगर थाने के सामने आया हूँ सर, मैं चाह रहा हूँ सर मुझे वो मेरे घर पे आए, मेरे को इंसाफ मिले सर, जैसा ही मिलना चाहे सर।